me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might. So, hey, good morning, YouTube. This is your captain bound to Redline. So, आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि हम अपने बाइक के रेयर टायर को चेंज कराने वाले हैं। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैंने टायर परचेज कर लिया, अभी आपको मैं दिखाऊंगा नहीं। तो पहले तो आपको जाके रुक के कहीं पर टायर की कंडीशन दिखाता हूँ कि मेरे रिसेंटली टायर की कंडीशन कैसी है। तो मैं इस बाइक में अपोलो अल्फा H1 यूज़ कर रहा हूँ, मतलब फ्रंट भी और रेयर भी। तो अभी फ्रंट तो अपोलो अल्फा H1 ही रहेगा, अब रेयर में देखते हैं हम क्या डालने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर पहले तो रुकता हूँ और आपको मैं टायर की कंडीशन दिखाता हूँ कि मेरे टायर की कंडीशन है क्या। अब तो बिल्कुल गंजा हो चुका है, तो इसलिए मुझे चेंज कराना पड़ेगा। और टायर मैं परचेज कर चुका हूँ, तो पहले आपको टायर की कंडीशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम टायर लेने चलेंगे और आपको वाली क्लिप्स देखने के लिए मिलेंगी जो हमने टायर परचेज किया है, और ये हमें कितने का कॉस्ट किया है, क्या कुछ है सीन, सब कुछ आपको भी पता लगने वाला है। सो स्टे ट्यून है ना। पहले तो यहाँ पर रुकते हैं और आपको टायर की कंडीशन दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस ये खड़ी है अपनी बाइक, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टायर की कंडीशन देखो भाई एक बार कितनी ज़्यादा बुरी हुई है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हुई है टायर की। ये देखो, इस साइड से इसलिए नहीं खींचा है क्योंकि आपको भी ऐसे पता है ये मेरा शॉकर बैंड है और वो मैंने चेंज करा लिया है, तो वाली क्लिप्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी और कितने की मुझे वो कॉस्ट किया है, क्या नहीं, क्या कुछ रहा है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये टायर मुझे पड़ा था 6000 समथिंग का, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में कि कितने का था, और ये बहुत प्यारा टायर है भाई। लेकिन बस RS में दिक्कत ये है कि 130 सेक्शन के टायर रिम साइज़ है जो इसका, वो 130 सेक्शन टायर के लिए डिज़ाइंड है, तो इसमें पूरा यूज़ हो नहीं पाता। अगर पूरा यूज़ करोगे तो ये पूरा यूज़ हो भी नहीं सकता, ये पूरा यूज़ हो भी नहीं पाता, जैसा आप देख ही रहे हो इतना भी बचा है ये इधर से, क्योंकि अभी बाइक मेरी एक साइड ज़्यादा चल रही थी, बाकी अभी भी बहुत सही ग्रिप दे रहा है। तो मतलब अब टायर चेंज होगा तो आपको एक ज़रूर से एक प्यारा सा बर्नआउट देखने के लिए मिलेगा। पहले तो अभी देखते हैं कौन सी शॉप खुली है कौन सी नहीं, और फिर वहाँ पर चलते हैं टायर चेंज कराने और निकलते हैं। बाकी ये टायर मेरा चला था, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैंने अभी बाइक चल गई है मेरी 21600 कुछ किलोमीटर, मैंने कराया था 10000 कुछ किलोमीटर पे चेंज, और ये अप्रॉक्स 11000 किलोमीटर चल चुका है, और मैंने कभी इसको आराम से चलाया नहीं। आपको बताइए मैंने कितना हार्श इसको यूज़ किया है। बहुत अच्छा टायर है, मैं इसको 10 out of 10 मार्क्स दूंगा, पर ये सिर्फ ड्राई रोड्स के लिए है, वेट रोड और ऑफ रोड के लिए इतना अच्छा नहीं। वेट रोड में फिर भी चल जाएगा, लेकिन ऑफ रोड में बिल्कुल भी नहीं चलता भाई ये, ऑफ रोड इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। तो बाकी यार मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, एक दोस्त और आ चुका है। तो टायर परचेज कर लिया है और ये है अपोलो अल्फा S1, आपको रुक के भी दिखाऊंगा मैं। अभी चलते हैं, पहले तो फटाफट से एक बर्नआउट मारते हैं पैरा सा और टायर भी चेंज कराते हैं। पहले तो इससे पूछता हूँ इधर होती है, चल फिर आगे चल। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं भाई साहब, अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, हिमाचल का यार यही सीन रहता है। और सच बात बोलूँ ना, अभी भी बहुत सही है, रहता है आपको दिख ही रहा होगा, मतलब ऐसा ही लगता कि भाई अभी भी घिसक रहा है या कुछ हो रहा है। नहीं भाई बहुत प्यारी ग्रिप देता है, और बहुत अच्छा टायर है यार ये। बाकी अभी तो बर्नआउट का सीन देखेंगे कहाँ पर रहेगा कहाँ नहीं। तो मैं बोलूँगा ना, अपोलोज आर द बेस्ट टायर फॉर मिड रेंज कैटेगरी, मतलब आपको मिड रेंज में बहुत ज़्यादा सही मिल जाते हैं। हाँ यार हाई एंड तो आपको पता ही है कितने मर्जी महंगे ले लो टायर्स का, तो ये सीन है, कोई भी चीज़ होती है महंगा तो जितनी मर्जी ले लो, पर आई थिंक सो कि अपोलो इज़ दी बेस्ट मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मैंने भी यूज़ किया। बाकी नेक्स्ट टाइम हम कुछ और ट्राई करेंगे। बाकी ड्रीम तो भाई Diablo Rosso है भयंकर, वो डलाना है एक बार, वो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है उसका, क्या उसकी परफॉर्मेंस रहती है। ओ भाई साहब पुलिस वाले भैया, हाँ हाँ हाँ, हमारी बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं है फ्रंट वाली।
बस कोई टायर वाली शॉप मिल जाए जहाँ पर चेंज होता हो टायर, तो टायर चेंज करा लेंगे। बाकी गाइस वीडियो को अभी से लाइक कर दो यार, क्योंकि आपको पता है कि अब एक बर्नआउट दिखने वाला है आपको प्यारा सा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो ना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ये कमेंट सेक्शन में बताया करो यार कि आप कौन सी बाइक यूज़ करते हो और आप उस बाइक पे कौन सा टायर यूज़ कर रहे हो। भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, आप देख ही रहे हो यार ये टायर मतलब अभी भी मुझे निराश नहीं कर रहा, अभी भी कह रहा है अभी और चला और चला। लेकिन यार इतना पंगा नहीं करेंगे टायर के बाद, हम चेंज करा ही लेंगे क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता भाई, हमेशा प्रिकॉशंस बरतते हैं और तो सही रहता है। मतलब अब दिख रहा है कि भाई जो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं तो टायर चेंज कराना है तो करा ही लेते हैं उसको ना। आज तो भाई टायर चेंज कराना ही है किसी भी हालत में यार। तो भाई एक काम करता हूँ, कुछ सीधा वहीं पर जाकर मिलता हूँ और फिर टायर वगैरह भी गाता हूँ, है ना। तो टिल देन आई कीप यू गाइस पोस्टेड। भाई एक बार मेरा मन कर रहा है इस टायर के टॉप एंड मार के देखते हैं। ये देखो 160, हमारे साथ आज एक नई बाइक है 160, पल्सर NS 160। मारना जी हमें टॉप एंड, मार देते हैं क्या दिक्कत है। चलो रहने देते हैं, चलो मार देते हैं, चलो फिर आपको अभी एक बार H1 ट्राई करते हैं। बस H1 इस बार में सिलेंडर आ रहा क्योंकि वो पूरा यूज हो नहीं रहा है मेरे पास। RS में पूरा यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है इसको, डिफिकल्टी का यार गिरने वाले काम आते हैं, पूरा स्टैंड पे आते हैं, चेसी पे आती है बाइक ना अगर आप ज़्यादा लीन करोगे इसको। साथ वाले बंदे का वेट भी कर लेते हैं भाई, हम तो भगाते भगाते ध्यान ही रहा कि हमारे साथ तो बंदा भी है। कितनी लगी 144 है, 125 लाख फिर तो 144 लगी है एंकर, और भी चल नहीं, बंदा चढ़ गया ऊपर एक बंदे यार। हाँ हाँ तो गाइस रेडी हो जाओ, आपको बर्नआउट देखने के लिए मिलेगा। यहीं मार दूंगा मैं तो, कोई चक्कर नहीं, मोड़ ले बाइक। पहले तो आपको एक बार टायर की कंडीशन भी दिखाता हूँ और मैं टायर कौन सा डलाने वाला हूँ वो भी दिखाता हूँ, मैंने दिखाया नहीं था आपको सही से। तो गाइस ये रहा टायर अपोलो अल्फा S1 140 सेक्शन, अभी डलेगा, ले रख दे बाइक के पास रख दे। हैं इधर वाला देखियो, इधर की कॉर्नरिंग ज़्यादा अच्छी है। हाँ कॉर्नरिंग नहीं, मेरा शॉकर बैंड था चेंज करा दिया। तो भाई जब आपको सीधा मिलता हूँ बर्नआउट मारते टाइम इन 3 2 1 है ना। देखना इतनी इसकी है कि भाई इतना चौड़ा है कि पटने
ऐसे टायर तो अभी भी नहीं फट रहा यार। तो गाइस आपको भी ना टायर की कंडीशन दिखाता हूँ, ये देखो टायर की कंडीशन भाई। टायर अभी भी भाई बचा है, अभी भी और बर्नआउट लग जाएगा इंस्टाग्राम मारना चाहूँ तो। और भाई अभी इतना प्यारा लीन होगा ना ये, बाकी आपको बर्नआउट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो गाइस ये देखो भाई साहब, क्या सारी जगह डस्ट डस्ट हो गया टायर की, रोड भी फाट दिया, देखियो गर्म हो गया रोड भयंकर। बाकी टायर की कंडीशन ये है, अभी पूरा फटा नहीं है, आगे देखते हैं बर्नआउट क्या सीन रहेगा। अगर तो गाय जा रहे, आपने देखा यहाँ पर इन्होंने ही मना कर दिया कि बोले टायर चेंज नहीं होगा। तो मेरे को तो ऐसा मन आता है यार, बंदे एंकर मशीन लेके बैठे हैं भाई, वो तुम्हारा काम है यार, तुम टायर चेंज करो ना। मैं तो बोलते आलस बस, पता नहीं क्यों यार, आलस नहीं करना चाहिए बंदे को। अभी बंदा कह रहा है कि टायर चेंज होगा नहीं, तो शंभू वाला ही देखेंगे यार, अपना भयंकर वहीं कराएंगे टायर चेंज। भाई टायर कर देगा चेंज यार, टायर कर देगा चेंज, कर देगा ना पक्का। सो गाइस फाइनली हमें भैया मिल चुके हैं जो हमारी बाइक का टायर खोल लेंगे। खोल तो दिया है, सब कंपनी खुलवाने गए थे, उसके बाद भी चौक कंपाउंड में रहता है, दिक्कत रहती है। हां टाइम हो गया यार, ये रहा टायर छुट्टी का जो हमने यहां लगाया था, 5:30 आहो, और ये रहा बाइक खुली पड़ी है, बाकी अभी जैसा भी रहेगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर आपको, बाकी आप बताओ कि मुझे बर्नआउट आपको कैसा लगा है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और कंटेंट देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। बाकी ये खड़ी है ना, तो गाइस फाइनली हमने टायर डला लिया, देखो आपको दिखाई दिख ही रहा होगा 140 सेक्शन अपोलो अल्फा S1। देखो यार ये दिक्कत आती है जब भी आप टायर चेंज कराओ ना, सारा स्क्रैच लग जाते हैं, देखते हैं अभी क्या स्क्रैच है क्या नहीं। बाकी बर्नआउट में देखो सारा ही दिक्कत हो चुका है, चैन भी सही हो गया है, बाकी कुछ ऐसी लुक है अभी। ओवरऑल मैं निकल रहे हैं यहाँ से घर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी कर दो। बाकी मिलता हूँ आपको ऐसे मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सेवन से हेल्दी, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, बाय बाय।